देखिए चार प्रकार के लोग होते हैं संक्षेप में समझिए नंबर एक है नहीं है नंबर दो है है नंबर तीन नहीं है, है। नंबर चार नहीं है नहीं है क्या मतलब मतलब नंबर एक है नहीं है यानी संसार के ऐश्वर्य अधिक मात्रा में है बहुत ऊंची पोस्ट है बहुत पैसा है बहुत सम्मान है और फिर भी भगवान से प्यार नहीं है तो नेचुरल है है नहीं है यानी संसार अधिक है इसलिए भगवान से प्यार नहीं है नंबर दो है है संसार के ऐश्वर्य भी हैं फिर भी भगवान से प्यार है अननेचुरल नंबर तीन नहीं है, है संसार के ऐश्वर्य नहीं है इसीलिए भगवान से प्यार है नेचुरल नंबर चार नहीं है नहीं है संसार के ऐश्वर्य भी नहीं है फिर भी भगवान से प्यार नहीं है ये भी अननेचुरल। अब पहले को समझिए है नहीं है संसार के ऐश्वर्य अधिक हैं, इसलिए भगवान से प्यार नहीं है यह स्वाभाविक बाइबल में लिखा है कि सुई के छेद से सुई होती ना छोटी सी सिलने वाली सुई उसका जो छेद होता है छोटा सा जिसमें हम धागा डालते हैं थ्रेड उस छेद से ऊंटों का काफिला का काफिला भले ही निकल जाए लेकिन एक पैसे वाला व्यक्ति ईश्वर की ओर नहीं चल सकता सोचे कोई संपत्ति वाला पोस्ट वाला प्रतिष्ठा वाला बुद्धि वाला रूप वाला क्या मेरे अंदर अहंकार है सब ग्रंथ कहते हैं कि भाई अधिक संपत्ति होने से अधिक सुंदरता होने से अधिक ज्ञान होने से अहंकार हो जाता है तो क्या मेरे अंदर अहंकार है बुद्धि कहती है ना बिल्कुल नहीं है तो क्या मैं बिल्कुल ठीक हूं हाँ, आपने किससे पूछा बुद्धि से तो बुद्धि पर ही तो अहंकार है उसी पर तो नशा है अहंकार का वो बुद्धि बिचारी नशे में है वो अपने विपरीत निर्णय कैसे दे एक बार अकबर बादशाह हाथी पर बैठ कर नगर भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में एक शराबी मिला उस शराबी ने अकबर बादशाह की ओर देखकर कहा क्यों वे हाथी बेचेगा अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल ये कौन बोला बीरबल ने कहा महाराज अमुक व्यक्ति बोला अकबर बादशाह ने कहा कि कल इसको दरबार में उपस्थित किया जाए अगले दिन उस शराबी को दरबार में उपस्थित किया गया अकबर बादशाह ने कहा भैया कल तुमने हमसे ऐसा कहा था क्यों बे हाथी बेचेगा वो व्यक्ति कांपने लगा उसने कहा महाराज कहा आप कहा मैं मेरी क्या हैसियत है जो मैं आपसे ऐसा कहता अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा बीरबल तुम गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले आए हो बीरबल ने कहा नहीं महाराज इसी ने ऐसा कहा है और अगर ये कहता है कि मैंने नहीं कहा तो इसको मालूम है कि किसने कहा है उस व्यक्ति ने कहा हां महाराज मुझे मालूम है मैं उसको कल ले आऊंगा अगले दिन वो व्यक्ति फिर आया दरबार में और शराब की एक बोतल अकबर बादशाह के सामने रख दी महाराज इसने कहा क्या मतलब मतलब मैंने इतनी शराब पी ली थी कि मेरी बुद्धि मेरे वश में नहीं थी तो मैंने नहीं कहा शराब ने कहा ऐसे ही जिसके पास बहुत अधिक पैसा हो जाता है बहुत ऐश्वर्य हो जाता है उसकी बुद्धि को भान नहीं रहता कि उसको अहंकार हो गया है ऐसे अहंकारी व्यक्ति का इलाज क्या है असतः श्री मदान दारिद्र्यम परमजनम आत्मपम्य नूता दरिद्र परमीक्षते भागवत के दसवें स्कंध के दसवें अध्याय का तेरहवा श्लोक ऐसे अपवित्र मदान्ध व्यक्ति की आंखों में जब दरिद्रता रूपी अंजन लगता है गरीबी रूपी काजल लगता है तब उसका अहंकार धुलता है नहीं कोस जनमा जग माही प्रभुता पाई जाही मदनाही श्रीमद वक्र न के ही प्रभुता बधिर न काही चैलेंज किया है तुलसीदास जी ने कि ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जिसके पास प्रभुता हो और उसे अहंकार न हो हर चीज का अहंकार हो जाता है किसी को प्रभुता का अहंकार हो जाता है भगवान राम ने बाली को मारा सुग्रीव को राज्य दे दिया राज्य पाकर सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा भूल गए लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा सुग्रीव भाई तुमने जो प्रतिज्ञा की थी कि तुम सीता जी की खोज में सहायता करोगे तुमने ख्याल नहीं किया तो सुग्रीव पूछता है कौन सीता कौन सीता अरे हमारे श्री राम प्रभु की सीता कौन राम लक्ष्मण जी कहते हैं कौन राम बताऊं कौन राम लक्ष्मण जी ने अग्नि बाण निकाला और जब धनुष पर उसको रखा उसने कहा हा महाराज मुझे याद आ गया ऐसा अहंकार हो जाता है तो अगर संसार का ऐश्वर्य है तो फिर नहीं है यानी फिर मन भगवान में नहीं लगता ये जितने बड़े बड़े अरबपति हैं ना ये दस मंदिर बनवा देंगे लेकिन क्या किसी अरबपति की आंखों से भगवान के प्रेम में आंसू बहते हुए आपने देखे हैं ना अगर कोई अरबपति या कोई बहुत बड़ा आदमी बीस दिन के प्रवचन में एक दिन भी आ जाता है तो लोग कहते हैं आज तो वो आए थे वो आए थे तो क्या हुआ आज रोज तो नहीं आते थे आज आए थे आज भी वो इसलिए आए थे कि आप लोग ये देख लें कि उनका यहां भी अधिकार है वरना उनका आज भी आना मुश्किल होता इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अर्थो नर्थस्य कारणम अधिक पैसा अनर्थ का कारण है यदत भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्व ही देख यो भी मनत सस्ते नो दंड भागवत के सातवें स्कंध के चौदहवें अध्याय का आठवां श्लोक वेदव्यास जी कहते हैं जितने में अपना पेट भर जाए बस उतने ही धन को अपना समझो जो उससे अधिक धन को अपना समझता है सस्ते नो वो चोर है दंड मरहती उसे दंड मिलेगा अब नंबर दो है, है संसार के ऐश्वर्य भी हैं फिर भी भगवान से प्यार है ये कौन लोग होते हैं शुची नाम श्रीमता हे योग भ्रष्टो भी जायते गीता में भगवान कहते हैं जो योग भ्रष्ट जीव होते हैं योग भ्रष्ट माने पिछले जन्म में पंद्रह आना ईश्वर भक्ति वो कर चुके हैं केवल एक आना बाकी रह गया है यानी 98 परसेंट तक वो ईश्वर तक पहुंच चुके थोड़ा सा रह गया है उसको पूरा करने के लिए उनको जन्म लेना पड़ा तो शुची नाम श्रीमतांगे हे पवित्र पैसे वालों के यहां उनका जन्म होता है पवित्र पैसे वाले यानी जिनके यहाँ पवित्र ढंग की कमाई होती है और जिनके घर में संत महात्मा आते रहते हैं ऐसे पैसे वालों के घर में योगा भ्रष्ट जीव का जन्म होता है तो है संसार के ऐश्वर्य रहते हुए भी वो उस ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होते उनका मन भगवान में रहता है ऐसे लोग आपने देखे हैं अगर नहीं भी देखे होंगे तो कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं